प्रश्न संख्या तीन भाग दीजिए। तो प्रश्न तीन का पहला है 16√6 को किसे भाग देना है। तो देखिए भागा का हम चिन्ह देंगे यहाँ पे, 16√6 को भागा देना है 4√2 से। ठीक है, 16√6 को किसे भाग देना है, 4√2 से। तो इसको हम लिख सकते हैं 16√6/4√2। इसको इस तरह हम लिख सकते हैं क्योंकि भागा में है तो हम बटा में करके लिख सकते हैं इसको। तो देखिए इसको हम और लिख सकते हैं 16 गुना, देखिए सब गुना में है तो इसको गुना में लिख लेंगे। √6 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए √2 × √3। √6 को हम इस तरह लिख सकते हैं, देखिए 2 × 3 6 होता है, यानी √2 × √3, √6 हो गया बटा, इसको हम लिख सकते हैं 4 × √2। ठीक है, इस तरह से 4√2 को, तो देखिए √2 से √2 कैसे खत्म कर देंगे क्योंकि भागा में है, और 4 से 16 चार बार में कट जाएगा। तो कितना बचा इसका उत्तर, इसका उत्तर आ गया देखिए 4√3। अंश में सिर्फ, हर में तो कुछ नहीं है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे 4√3 इसका उत्तर। तो बस इसी तरह हमें इसको हल कर लेना है। अब दूसरा, दूसरा है 12√15 को, तो को के जगह पे भागा का चिन्ह किससे भाग देना है, तो 4√3 से। ठीक है, 12√15 को 4√3 से भाग देना है, तो इसको हम लिख लेंगे 12√15/4√3। इसको इस तरह हम लिख सकते हैं क्योंकि भागा में है तो बटा में लिख लेंगे। अब 12√15 को हम किस तरह लिख सकते हैं, देखिए 12√15 को हम लिख सकते हैं, 5 × 15 होता है, यानी √5/√3 बटा 4/√3। ठीक है, तो √15 को क्या लिख सकते हैं हम, √5/√3, क्योंकि 5 × 15 होता है। ठीक है, और 4√3 को 4/√3, तो √3 से √3 देखिए कट जाएगा, 4 से 12, 4 × 3 12 तीन बार में। तो इसका उत्तर क्या आ गया, इसका उत्तर आ गया 3√5, देखिए 3√5। ठीक है, तीसरा, तीसरा है 18√21 को किससे भाग देना है, 6√7 से। ठीक है, 18√21 को 6√7 से भाग देना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 18√21/6√7। ठीक है, तो 18√21, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 18 × 7 = 21 होता है, तो देखिए √7/√3 लिख सकते हैं क्योंकि 21 है, तो एक √21 है, तो √7/√3/6√7 को हम क्या लिखेंगे, 6√7। ठीक है, अब देखिए √7 से √7 को काट देंगे, 6 से 18, 6 × 3 = 18, तो इसका उत्तर हो गया देखिए 3√3, यानी इसको लिख लेंगे हम 3√3, इसका उत्तर हो जाएगा।